डीएम का एवोकिंग प्रोसेस चल रहा है। आपका जो सेपरेशन पीरियड है वो एक हल्का सा फाइन लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे दो यूनिवर्स बीच में मिल रहे हैं। डीएम डीएफ के रूप्स में वननेस की एनर्जी है। आप दोनों का सेपरेशन का वक्त खत्म होंगे, जस्ट एक पतला सा फाइन लाइन है उसको क्रॉस करना आपको होंगे फेमिनाइन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपके इधर ग्रोथ कर रहे हो स्पिरिचुअल वर्क में और वो कार्मिक रिलीज कर रहा है, तो एक फाइन लाइन है वो खत्म होने वाले है, सेपरेशन एंडिंग होने वाले है। अभी नहीं, थोड़ा एक महीना दो, धीरे 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 करके आप खुद देख पाओगे। ओके, जो फाइन सा लाइन है ना, ये रियूनियन होंगे, मिनी यूनियन होंगे, बट परमानेंट यूनियन नहीं हो रहा है। ये जो एक पतला सा फाइन लाइन है, क्यों है, यूनिवर्स बोल रहा है ये परमानेंट यूनियन से आप क्यों रुक रहे हो, ढूंढो आपके खुद के ब्लॉकेज को, डीएम के ब्लॉकेज को, आपके स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन से, आपके स्पिरिचुअली ताकत से, आपका इंट्यूशन से क्यों नहीं हो रहे हैं। ओके, मैं पूरा वीडियो बोलूँगी, आप सुनते रहना। और 101 रुपीज़ मैं ले रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग थेरापी काउंसलिंग सब कुछ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा सिर्फ नंबर है। ओके, तो 11-11 पोर्टल के पहले ओके आप तैयार हो जाओ परमानेंट रियूनियन के लिए, बट नो नीडीनेस, नो क्लिंगिनेस और नो वेटिंग एनर्जी। आप तैयार हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ओके, किसी किसी का रूट चक्र में बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है, बा वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो हो तो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड के एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डीएनए किसी किसी का एक्टिवेशन हो रहा है, उसके डिवाइन मस्कुलाइन का, उसका खुद का। ओके, एंसेस्टर हीलिंग आप कर सकते हो किसी से भी, क्योंकि पितृदोष का जो महीना आ रहा है ना, उससे पहले बा, उस दिन बा, उससे एक दिन आगे बा, उसके अभी कुछ भी हो आप लेना शुरू करो। ओके, किसी किसी का एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई भी कुछ कहे, ठीक है, तुरंत तुरंत जवाब दे रहे हो, एकदम जवाब देना अच्छे बात है, बट गंदे वर्ड से, जैसे रूड रूड भी अब जो बोलते हैं ना, मैं नहीं करूँगी, जो मम्मी पापा सेवा कहे के भी, ये आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है। किसी किसी का रेड कलर बहुत प्यार लग रहा है इस वक्त, हो सकता है आप पहले नहीं पहने थे बट अभी बहुत रेड कलर खींच रहा है आपको, किस किस का ज़रूर कमेंट पे लिखो। ओके, किसी किसी डिवाइन फेमिनिन का कार्मिक लोगों बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि देखो डीएम का एवोकिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसका कार्मिक सिचुएशन बोलो, खुद के सिचुएशन बोलो, सराउंडिंग जिधर भी रहते हैं, काम पे जगह बोलो, एकदम बहुत जोर जोर से यूनिवर्स उसके पीट रहे हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी आपको पड़ेंगे। आपके जो घर में कोई भी है, मॉम है, डैड है, बा, कोई भी हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, वो अचानक सा बदल रहे हैं, मीन्स बहुत आपको डोमिनेट कर रहा है, बहुत कंट्रोलिंग सिचुएशन हो रहा है, आपके घर में मन नहीं लग रहा है, आपको बाहर जा रहे हो, बाहर भी अच्छे नहीं लग रहे, आपको एकदम आपको ड्रेन कर रहे हैं, किस किस का ज़रूर लिखो, ठीक है। किसी किसी का भी कार्मिक ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, घर का कोई भी हो, देखो पहले एक बात बोल देती हूँ, कार्मिक खराब नहीं होते, बुरा नहीं होते, आपके साथ उसका कर्म बंधन है, इसका मतलब ये नहीं है वो किसी से प्यार नहीं करेंगे, वो उसका किसी के साथ सोलमेट जैसा प्यार से बात नहीं होंगे, ऐसे नहीं है, बट आपके साथ कार्मिक बंधन है तो कार्मिक जैसा ही रहेंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन का कार्मिक लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा, डीएम से भी ज़्यादा, क्यों बोलो तो डीएम तो कार्मिक लोग कार्मिक क्लियर करने के लिए आए, उसको तो करते ही करते हैं, उसको छोड़ो, खुद के सोचो, और डीएफ का भी ना कार्मिक जो सिचुएशन है वो हील करना बहुत ज़रूरी है। हील तो खुद ब खुद कर ही रहे हो,
यूट्यूब सुन के बा कुछ सुन के बट हीलिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअल जाने में बाधा देंगे। सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, सबका घर वाले कार्मिक है, सबका मॉम डैड घर वाले रिश्तेदार कार्मिक नहीं है, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हो कौन आपका कार्मिक है। तो देखो, कार्मिक के तो आप रिश्तेदार को तो बाहर नहीं फेंक सकते, वो भी आपको नहीं कर सकते, बट डिटैचमेंट रहना चाहिए और हीलिंग लेना ज़रूरी है। अभी हीलिंग लेना शुरू करो, क्योंकि 11-11 पोर्टल से पहले बा पोर्टल के समय बा उसके बाद बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलाइन का परमानेंट रियूनियन होंगे। अभी आप बोलोगे परमानेंट रियूनियन होंगे तो और ऑन ऑफ सिचुएशन से प्रेशर नहीं होंगे, आप बैलेंस में रहोगे तो नहीं होंगे, आप बैलेंस में नहीं रहोगे थोड़ा भी बहुत इधर उधर हो जाएंगे फिर भाग जाएंगे। ऐसे परमानेंट बोल के कुछ नहीं होते, आप ऐसे ही बैलेंस रहोगे ऐसे ही रहेंगे टीम, एकदम बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे। आप फिर से चेजर बन जाओगे तो वो आपसे भागेंगे, ठीक है। बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस धरती माता में, बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस धरती माता के एनर्जी में, बहुत कुछ चेंज हो रहा है कॉस्मिक एनर्जी में, बहुत 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 कुछ चेंज हो रहा है। पॉजिटिव वे में चलोगे तो पॉजिटिव रोशनी बोलो, लाइट बोलो, एनर्जी बोलो, सब कुछ आप ग्रैब करोगे। नेगेटिव वे में चलोगे तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लाइफ आप ग्रैब करोगे। ओके, डिवाइन फेमिनिन प्रोटेक्शन में हो यूनिवर्स एंजल्स का, वो आपको गिरने नहीं देंगे, मैं ये ड्रीम में देख लिए हो, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलाइन सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और वो खुद खुद के रास्ता चूज कर रहे हैं, खुद खुद के किंग समझ रहे हैं, तो उसको घाई में भी गिर रहे हैं। किसी की बहुत बैड देखी हो, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जो जो बिगिनर्स है उसको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो देखी हूँ थोड़ा तो बोल दिया हो, आपका जो फेमिनाइन है आपको यूनिवर्स आपको कुछ भी खड़ा होने अब सोच ही नहीं पा रहोगे, आपके हाथ पकड़ ले रहे हैं डिवाइन गॉड, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलिन का सुइसाइडल थॉट्स बोलो, बैड कर्मा के कारण बोलो, कुछ भी बोलो, उसका बहुत खराब शुरू हो चुका है, ठीक है। तो कोई कोई जो भी कमेंट्स में लिखोगे बहुत अच्छे हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, देखो एक बात बोल रही हूँ आपको, ये समझ रही हूँ आपके साथ जीएम ने कुछ किया है, ठीक है, बट ये जो पेन है ना, जो दूसरे को आप बोल रहे हो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये ना आपके ऊपर और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, आप पीस में कभी भी नहीं आ सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ ब्लेम गेम शेम देना बंद कर दो, ठीक है, खुद के लिए आगे बढ़ो, तो आपका जिंदगी ना स्वर्ग बनेगी, नरक नहीं बनेगी। उसका नरक बन रहा है नहीं बन रहा है, आप कमेंट्स में इतने चिल्लाओगे आपका डीएम नहीं सुन पा रहे, आप पागल जैसा चिल्ला रहे हो। इसको बोलते हैं OCD डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये आपको ना और भी धीरे 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 ख़त्म करने वाला डिसऑर्डर्स है। तो काउंसलिंग थेरापी मुझसे भी ले सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, फिर भी मैं बोल रही हूँ ज़बरदस्ती नहीं है, मन चाहे तो ही ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन एडिक्टेड हो रहा है, ड्रिंक कर रहा है, बा गलत संगत पे पड़ रहे हैं, ठीक है। एडिक्शन दूर करने के लिए भी हीलिंग होता है, आप हील करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रंकर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, चेन स्मोकर बन रहे हैं, कोई कोई फेमिनाइन भी खुद को डुबाने के लिए ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहे हो। ओके, सो दिस इज नॉट गुड, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके सेहत के लिए, आपका मेंटल पीस के लिए। मेंटल पीस ऐसे करके आप खुद कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो जो डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, कुछ नहीं हासिल हो जाएंगे, ठीक है। तो खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। मास्कुलिन भी एडिक्टेड हो रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन का भी मेल या फीमेल बॉडी ऐसे
हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कार्मिक से परेशान हो रहा है, किसी किसी का कार्मिक एंडिंग हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन का, किसी किसी का पागल इशू कर देंगे कार्मिक आपका, ऐसे हो रहे हैं। आप कैसे रहे कैसे जिए ऐसे सोच रहे हो, प्लीज़ हीलिंग लो रिलीज करो, हीलिंग लो रिलीज करो, ठीक है। और डिवाइन मास्कुलाइन का बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे है, वो बात नहीं कर रहा है आपको, तो पेम्पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इग्नोरिंग नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, तो ना उसे कुछ मत पूछो। पहले भी वीडियो में मैं बोली हूँ, उसे कुछ पूछो मत, थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा डिटैच हो जाओ दोनों दोनों को, दोनों दोनों से, ओके। तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, जो भी कुछ ब्लॉकेज है कार्मिक का, डिवाइन फेमिनिन को बोल रही हो, तो ये ब्लॉकेज क्लियर करो। तो क्या होंगे, 11-11 पोर्टल में किसी का मिनी यूनियन, रीयूनियन और परमानेंट यूनियन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये मेरा आर्क एंजल माइकल गाइडेंस दे चुके थे, ड्रीम में बोलो कुछ भी, एस्ट्रल में बोलो कुछ भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है, खुद के लिए जियो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए काम करो। इतना कुछ मिलते हैं ना ये जानने में, क्या बोलेंगे। मेरे डीएम को तो मैं बार बार बोलती हूँ, पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं इतना प्यार किसी से नहीं करती हूँ, मेरा डीएम से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही मेरा डीएम हूँ। ये अंदर से फीलिंग आ चुका है बहुत दिन पहले से, मैं खुद में बहुत खुशी हूँ, खुद में बहुत पीसफुल हूँ, ठीक है। और मेरा डीएम मुझे पूरा यूनिवर्स दे दिया, मेरा एंजल्स दे दिया, और क्या चाहिए, आप लोग हो मेरे पास, है ना। तो आई लव यू सो मच ऑल ऑफ गाइज, आई लव यू सो मच। तो वीडियो आज इतने तक, अच्छे रहो, अच्छे सोचो, खुद को प्यार करो, सबको प्यार करो, एनिमल्स को प्यार करो, और यस मुझे भी, है ना। सो